मई को सुबह लगभग 5:15 बजे के आसपास डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें क्रिकेट के एक स्थानीय कोच और पुराने खिलाड़ी थे श्री रामपाल यादव जी, जिनको गोली लगी थी। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। और एक घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि तमाम लोग डीएवी कॉलेज में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना थी। और रामपाल यादव का कोई ऐसा विवाद भी परिलक्षित नहीं था, पारिवारिक सामाजिक रामलाल यादव का कोई ऐसा विवाद पहले से नहीं था जिसके आधार पर ये आशंका हो कि उनकी हत्या का मोटिव क्या हो सकता है, किस लिए बदमाश उन्हें मारने के लिए आए थे। और लेकिन लगातार पुलिस की टीम में बहुत सार्थक, कोतवाली की टीम और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और सारे अधिकारियों ने मिलकर बहुत सार्थक तरीके से प्रयास किया। कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उससे काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई और उस जानकारी के आधार पर ये पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना के मुख्य सूत्रधार रामजी दुबे पुत्र चंद्रभूषण दुबे हैं, जो हुकुलगंज में रहते हैं, और इनके पिताजी डीएवी कॉलेज में चपरासी थे। और इनके मन में एक बड़ा गहन प्रतिशोध रामलाल यादव के प्रति पिछले एक दशक से अधिक समय से था। इनका कहना है कि इनकी मां के साथ उसने अवैध संबंध बनाए थे, जिसको लेके इनके मन में प्रतिहिंसा की भावना दशकों से चल रही थी। लेकिन इनकी हैसियत नहीं थी, या वो बड़ा दबंग आदमी था, और धीरे धीरे, जबकि इनकी मां को मरे हुए 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी लगातार उस प्रतिशोध की आग में थे। और उसी क्रम में इन्होंने 2.5 लाख रुपये इकट्ठा करके बहुत ही सुनियोजित तरीके से, ये मनीष सिंह हैं जो वकालत पेशे में पिछले 8 साल से हैं और असलहों के अच्छे सप्लायर हैं, पुराने आपराधिक गिरोहों के साथ इनके अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं, इनको इन्होंने मैनेज किया और मैनेज करके 30 की पिस्टल, तमंचे, कारतूस आदि की व्यवस्था कराई। इसके बाद गजेड़ियों का एक गैंग जो बड़ुआ के किनारे गांजा पीने का काम करता है, इनको मैनेज किया गया और इस घटना को बहुत ही प्लान तरीके से सुनियोजित किया गया। मौके पर कोई भी परिचित व्यक्ति या जिसको लोग पहचान सकते हों ऐसा व्यक्ति नहीं था। जो अशोकपुरम शिवपुर में रहता है, ये इसने फायर किया था। दूसरा, इसके साथ पक्की बाजार का नसीम नाम का एक 18-19 साल का लड़का है, जो देखने में कम उम्र का दिखाई देता है, ये था। इसके पास भी असलहा था, इसने भी फायर किए थे। कुल 3 फायर हुए थे, लेकिन एक गोली रामलाल जी को लगी थी। और एक नदीम है जो मैनेज करने में, इस पूरे गैंग को मैनेज करने का काम नदीम ने किया। नदीम पुराना क्रिमिनल है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। और ये वकील साहब हैं मनीष सिंह। तो इस तरह से पूरे अभियोग का अनावरण हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और असलहों की बरामदगी, मोबाइल फोन्स की बरामदगी, जिस ऑटो रिक्शा से ये लोग गए थे, भागे थे, उन सब की बरामदगी कर ली गई। असलहे में क्या क्या खास है? असलहे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक 30 की पिस्टल है और जिसके 30 कारतूस मिले हैं। और मनीष वकील के घर से कुल 9 मैगजीन मिली है। इनसे हम लोग रिमांड पे लेके अग्रिम जानकारी का प्रयास करेंगे कि मैगजीन्स किस पिस्टल की हैं, कहाँ की हैं। और एक कारतूस आज मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन में तमाम असलहों के फ़ोटोग्राफ्स भी हैं और तमाम लोगों से इनके लिंक हैं। तो अभी इस पूरी टीम पे काम करने की आवश्यकता है और हम लोग प्रयास करके पूरे प्रकरण में जितने लोग इन्वॉल्व हैं अवैध असलहों की खरीद फरोख्त में तथा अन्य अपराध में, उनके तह तक जाने का प्रयास करेंगे। पुलिस क्या क्या धाराएँ लगाई गई हैं इनके ऊपर? मैम, 307 तो पहले लगा था और 7 CLA क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा है, असलहा मिला है, असलहे की धाराएं लगी हैं, 25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल रामलाल यादव जी सुरक्षित हैं और हालांकि रामलाल जी के परिजनों से जो बात हुई उनको यहां से चल रहे हैं। फिलहाल जो अब तक वो जीवित हैं, ये जानकारी हम लोगों के पास है, लेकिन इस घटना के पीछे कम से कम 20 साल पुराना प्रतिशोध रहा। हाँ, ये मनीष सिंह जो है, इनका अब असलहे जो लाते हैं, बता रहे हैं बिहार से लाते हैं, अभी इनसे और गहन पूछताछ की आवश्यकता है और वो हम लोग करेंगे। तो इनसे कुछ पुलिस टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी है।